आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप सही और सही। सर, जो 12 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फिलहाल टक्कर श्रुति चौधरी और जो जेजेपी से है स्वार्थी यादव, उनकी दोनों की टक्कर है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब की बार दोबारा से मोदी सरकार, अगर जनता इसके प्रति खुश होती तो जो धर्मवीर जी को खड़ा किया गया है उसे गांव से बाहर क्यों भेजती, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सिर्फ टेलीविज़न चैनल वगैरह जो हैं वो मीडिया के ऊपर दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया हुआ है और आज तो मीडिया खुद के कड़े लग गए। पहले जहाँ मोदी की 280 सीटें मीडिया बता रहा था, आज मोदी जी की 160 सीटें मीडिया बता रहा है। कोई संदेह की बात नहीं है, तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और यहाँ से धर्मवीर भारी रूप से पराजित होगा। धर्मवीर आकलन भी नहीं कर सकता कि वो इतने मतों के अंतर से संतुष्ट हो जाए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर काली पुथी गई थी उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, वो पुलिस से अपना काम करने कानून अपना काम करेगा, हाँ तो जवाबदारी है और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक काम है भाई को भाई से लड़ाना, आपस के अंदर एक दूसरे को लड़ा कर राजनीतिक फायदा उठाना और उसी कड़ी के अंदर ये जो भीमराव अम्बेडकर पारित होती गई थी वो सबको मालूम है कि कौन इन लोगों का इसके अंदर हाथ था। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना हुआ है, वरना तो ये बात कभी हो जाती जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये लोग शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी का नाम खुद सामने है। जो ये काली पथी गई थी इसे जनता को भी पता है और पुलिस वालों को भी पता है कि काली किसने क्या पथी गई थी, किसका जनता को नाम भी पता है उनका, लेकिन पुलिस के ऊपर पूरी तरह दबाव बना हुआ है, इसका कारण क्या है सर? नहीं सर, कारण तो ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पास उसकी पहुँच है और उस लपेटे में हो सकता है अगर निष्पक्ष जांच हो तो बड़ी बड़ी मछलियाँ बचेंगी भारतीय जनता पार्टी के। अगर अब की बार बीजेपी नहीं आती है तो क्या इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी सर? अगर बीजेपी नहीं आती है तो 100% गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध पानी का पानी छड़ेगा और इस तरह के लोगों को बेनकाब किया जाएगा। लोहारों की जनता बड़ी जागरूक है, इस संबंध में पंचायत भी हो चुकी है, एसपी से भी मिल चुके हैं लोग और इसको किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, चाहे लोगों को कहीं तक भी जाना पड़े लेकिन दोषी को बेनकाब करते रहेंगे। जनता बोल रही है मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी के आदमी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो इन्होंने नोटबंदी वाला किया था उनको बड़े बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुंचा था, आम जनता को हानि पहुंची थी सर। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख रुपए खातों में देने की बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी और नोटबंदी करके छोटे व्यापारी का आम आदमी का कचूमर निकाल दिया, गबर सिंह टैक्स लगा दिया, काला धन लाने की बात की थी, वहाँ सिर्फ 10-12 ग्रामों को 30,500 करोड़ रुपए का फायदा मोदी जी ने पहुँचाया है। फसल बीमा के नाम पर किसान को पिटवाया है, आज मंडी के अंदर हालात देख लो, किसान दर दर की टोकरियाँ खा रहे हैं, हर आदमी को लाइन में लगा दिया। मोदी जी ने जो काम किए हैं उसका परिणाम 23 तारीख को देश की जनता मोदी को सबक सिखाने का काम करेगी। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपना कीमती वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर सरस्वती चौधरी को दें। सरस्वती चौधरी को वोट की जो ताकत मिलेगी वो मैडम किरण चौधरी को मिलेगी और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो मैडम किरण चौधरी हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और सरस्वती चौधरी जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगी और संसद के अंदर इस क्षेत्र के विकास की दोबारा से गति करने वाली। मैं सभी क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूँ, भिवानी मांझरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, कि 12 तारीख को सरस्वती चौधरी को हाथ के निशान का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। इससे सरस्वती चौधरी के हाथों मजबूत होंगे, मैडम किरण चौधरी और राहुल गांधी के भी हाथ मजबूत होंगे और सरस्वती चौधरी लोकसभा में पहुँच कर क्षेत्र के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएंगे। पीछे विकास किया था और आगे भी करते रहेंगे। पीछे जो विकास के दौर चला था सरस्वती चौधरी के टाइम में वो आज जो का त्यों
रुका हुआ है और जैसे श्रीमती चौधरी लोकसभा में पहुंचेंगी यहाँ से सांसद बनकर वो विकास की गति दोबारा से नए सिरे से चालू होगी।